C program almost a similar program solved with in previous applications, previous sessions, examples 12. Means previous case mein calculate kiya tha, calculate reverse of given integer number. Lekin is case mein reverse calculate na karke is case mein perform kya karana, sum of the digit of given numbers. For example, if entered number is 468 or 465 any numbers, then previous case mein reverse case mein iska expected result kya tha, given inputs ke according is reverse is 564. Lekin is case mein reverse perform na kara, kyunki current case mein perform kya karana, agar aapke paas is type ka koi bhi given number available then perform kya karana hai, sum of the digits. Sum of the digit means sabse pehle suppose that aapke paas koi value like a 0, 0 mein sabse pehle means sabse pehle is number se read kya karayenge 5, then 5 ko initially kisi bhi 0 mein add karayenge, 0 se koi bhi number add karane par kabhi iska meaning change nahi hoga, then first time iska addition kya aayega 5 ko add kara liya, then remove this 5. नेक्स्ट टाइम लास्ट डिजिट क्या बचेगा इस केस में 6 को देन अब 6 को रीड करा के 6 को ऐड केस में करा लेंगे 5 में इस प्रीवियस नंबर का प्रीवियस जो एडिशन था 5 इस प्रीवियस एडिशन के रिजल्ट में ऐड क्या कराएंगे न्यू नंबर है 6 5 प्लस 6 बिकम्स 11 इस केस में न्यू रिजल्ट क्या आएगा 11 इस 11 रियल में देखा जाए तो इन तीनों ही नंबर्स का एडिशन है लाइक दैट 0 प्लस 5 प्लस 6 नेक्स्ट टाइम 6 को भी रीड डाउन कर चुके नेक्स्ट टाइम रीड क्या करेंगे 4 देन 4 को रीड करने के बाद ऐड केस में करा देंगे प्रीवियस एडिशन 11 देन 11 प्लस 4 इज 15 तो इस केस में भी ऑपरेशन कैसे हैं ऑलमोस्ट सेम एज प्रीवियस केसेस प्रीवियस केस मींस व्हाट सबसे पहले रीड क्या किया 5 को ऐड किससे कराया 6 से 6 को ऐड किससे कराया 4 से इन से सभी डिजिट का सम क्या आएगा सम इज 15 दिस इज द एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रीवियस केस में रिवर्स कराना था लेकिन इस केस में डिजिट्स को ऐड कराना तो ऐड कराने के रिस्पेक्ट में 1 बाय 1 सारे के सारे डिजिट्स को रीड डाउन करेंगे देन उसको ऐड करा देंगे सम एक्स्ट्रा वेरिएबल रिजल्ट मींस प्रीवियस केस में रिवर्स के केस में लॉजिक क्या पुट किया था गिवन लॉजिक्स अगर सेम प्रीवियस प्रोग्राम के लॉजिक से अगर मल्टीप्लाई बाय 10 रिमूव कर दिया जाए मींस एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम से रिमूव किया करते मल्टीप्लाई बाय 10 दिस इज प्रीवियस प्रोग्राम देन प्रीवियस केस में मैंने ये एक्सप्रेशन राइट डन किया था रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 बट इन दैट केस रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10 देन ये ऑपरेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगा सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन नंबर्स इसको सॉल्व करते हैं फॉर द रिस्पेक्ट टू गिवन डिजिट्स फर्स्ट वन जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे फर्स्ट वन स्टेप्स क्या है प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब अभी भी इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 2 नंबर एंड रिजल्ट नंबर क्या है इस केस में इनपुट वेरिएबल रिजल्ट क्या है आउटपुट वेरिएबल्स देन रीडिंग इनपुट्स इनपुट रीड किससे कराया विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ इनपुट रीड डाउन करने का देन लूप के थ्रू सम को कैलकुलेट करना सम ऑफ द डिजिट्स देन फाइनली डिस्प्ले क्या कराएंगे रिजल्ट मींस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रोग्राम के साथ सेम एज प्रीवियस केस में राइट डाउन क्या किया था रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10 लेकिन इस केस में अगर डिजिट्स का सम परफॉर्म कराना देन ओनली सिंपली क्या यूज करोगे रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10 इस प्रोग्राम को किसी इनपुट के रिस्पेक्ट में टेस्ट कर दें फर्स्ट वन सेकंड सीक्वेंस परफॉर्म किया वैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन नंबर एंड रिजल्ट प्रोवाइडिंग टू वेरिएबल डिक्लेरेशंस नंबर विद इनिशियल वैल्यू समथिंग गार्बेज नेक्स्ट वन रिजल्ट रिजल्ट विद इनिशियल वैल्यू एज 0 लाइक दैट थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग सिंपली मैसेज प्रिंट हो जाएगा सम मैसेज ऑन द मॉनिटर विंडो मैसेज क्या डिस्प्ले कराया प्रिंट है और पुट्स फंक्शंस के थ्रू एंटर नंबर स्लैश एन इसके असली कर्सर कंसेंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन किसको प्रोवाइड हो रहा है स्कैन एफ फंक्शन सपोज दैट इस केस में कोई भी नंबर एंटर किया 3 डिजिट नंबर और मे बी 4 डिजिट नंबर मैं स्मॉल 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ जिससे प्रैक्टिकली जल्दी से सॉल्व करना पॉसिबल हो 512 एंटर नंबर 512 करेंटली किस वेरिएबल में असाइन हुआ वेरिएबल नंबर इस वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 512 नेक्स्ट वन इसके बाद कंट्रोल कंसेंट हुआ इनसाइड व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग व्हाइल के केस में जब कंडीशन टेस्ट हुआ तो कंडीशंस के केसेस में नंबर के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ
वाइल कंडीशन में नंबर के प्लेसेस पर क्या रिप्लेस हो रहा है, वैल्यू ऑफ नंबर, और नंबर का वैल्यू क्या करेंटली 512 नॉन जीरो नंबर, इसलिए कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल सेंड करेंगे इनसाइड बॉडी प्लस इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10। देन फिफ्थ के बाद सिक्स सिक्वेंस क्या, बॉडी एक जी इसमें 61, सिक्स के इसमें परफॉर्म क्या हो रहा है, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस रिजल्ट का मीन्स एक्सप्रेशंस के अंदर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे प्लस प्रायोरिटी के साथ साथ जहाँ भी वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे देयर करंट वैल्यूज। एक्सप्रेशन क्या है इसके, इसमें रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है इसके, इसमें मॉड्यूलो का, नंबर का वैल्यू क्या करंटली 512 को 10 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट एस 2। फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, रिजल्ट एस 2, रिजल्ट इज 2। देन प्लस उसका एडिशन परफॉर्म कराने के लिए रिजल्ट के प्लेस पर रिजल्ट का करंट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा है 0, 0 प्लस 2, फाइनल रिजल्ट बिकम्स 2। 0 और 2 का एडिशन क्या आएगा 2, प्लस ये एडिशन किस वेरिएबल में साइन हो रहा है, वेरिएबल रिजल्ट, इसलिए रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 2। इस केस में पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, मीन्स 5 + 1 + 2, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, फाइनली सम इज 8। चेक करते हैं इस केस में फर्स्ट टाइम रिजल्ट में क्या साइन हो चुका है 2, नाउ वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 2। नेक्स्ट वन इसे 2 को ऐड करा लिया, 2 को इससे रिमूव कराएं, रिमूव कराने के लिए ऑपरेशन क्या, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10, नंबर का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है इसके, इसमें नंबर इज 512 को 10 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर डिवीजन क्या आएगा, ओनली 51, आसान किस में जाएगा वेरिएबल नंबर में, अब वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 51, वैल्यू क्या है क्या इसका 51। नेक्स्ट वन 51 आसान किस में हुआ है, इन साइड वेरिएबल नंबर। नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल का मीन सिक्स, देन सेवन्थ केस, सेवन्थ केस के बाद एट्थ केस क्या, कंडीशन टेस्टिंग अगेन 8, 8th केस में नंबर के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर अभी भी क्या है 51, 51 मींस नॉन जीरो, नॉन जीरो मींस कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू, देन कंट्रोल का है इनसाइड बॉडी 9th, बॉडी के केस में फिर से अगेन सेम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, रिजल्ट रिजल्ट प्लस नंबर मॉड्यूलो बाय 10, नंबर क्या है 51, 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 1, प्लस रिजल्ट का ओल्ड वैल्यू क्या है 2, 2 + 1 = 3, इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है सम, 2 + 1 = 3, 3 इज असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, इस रिजल्ट की न्यू वैल्यू क्या आएगी 3, इस फर्स्ट टाइम क्या ऐड किया था 2, 2 किसके साथ ऐड हो चुका है 1 के साथ, रिजल्ट क्या है 3, अब नेक्स्ट टाइम 3 किससे ऐड कराएंगे 5 से, इस फाइनली 9 ऑपरेशन 10। नेक्स्ट वन नंबर का वैल्यू क्या हो चुका है इस केस में, इस अब नेक्स्ट वन टेंथ केस में सॉल्व किया करें, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, नंबर क्या है 51, 51 को 10 से डिवाइड करेंगे तो उसका डिवीजन क्या आएगा, एक्सेप्टिंग लास्ट डिजिट मींस 5, 5 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नंबर का नेक्स्ट वैल्यू क्या बचेगा ओनली 5, मींस 51 इज रिप्लेस्ड बाय 5। नेक्स्ट वन टेंथ का अगेन, 11th केस क्या है, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट करें तो व्हाइल के केसेस में अगेन क्या सप्लाई करोगे, वैल्यू ऑफ नंबर, और नंबर का वैल्यू करंटली क्या सो रहा है 5, मींस अगेन नॉन जीरो, नॉन जीरो मींस कंडीशन ट्रू, ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट कराएंगे 11 के बाद, नेक्स्ट सीक्वेंस है 12, रिजल्ट, रिजल्ट का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या फाउंड हो रहा 3, और नंबर क्या करंटली 5, 5 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर भी क्या आएगा 5, 5 + 3 + 5 = 8, मींस 3 ऐड किस हो रहा है 5 से, रिजल्ट क्या आ रहा है इसके इसमें 8, यानी रिजल्ट 8 अगेन किस में साइन होगा, लेफ्ट एंड ऑपरेंड रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 8, तो रिजल्ट में 8 असाइन होने के बाद अगेन परफॉर्म क्या हो रहा है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और नंबर क्या करेंटली 5, 5 को 10 से डिवाइड करें तो इंटीजर डिवीजन क्या आएगा इसका 0, 0 इज असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नाउ वैल्यू ऑफ नंबर बिकम्स 0। नेक्स्ट टाइम 12 देन 13 अगेन कंट्रोल सेंड हुआ, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं, नेक्स्ट टाइम अगेन नंबर के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे, इन दैट प्लेस करंट वैल्यू ऑफ नंबर विच इज 0, 0 मीन्स कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल सेंड करें आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाद सिंपली डिस्प्ले क्या कराए वैल्यू ऑफ रिजल्ट, और रिजल्ट का वैल्यू क्या फंड हो रहा है 8, और इन डिजिट का सम भी क्या है ऑल्सो 8, तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा इसके, इसमें रिजल्ट
colon 8.